क्या क्या आराम पड़ा है, ठीक है, आराम नहीं पड़ा है तो भी बताएंगे, आराम पड़ा है तो भी बताएंगे। यहाँ नहीं आना, इधर से नहीं आना, चलो चलो, इनका यज्ञ हुआ है, अभी बताओ तुम्हें क्या आराम पड़ा है, पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अभी नहीं पड़ा, इसका मतलब बैठने से और दर्द बढ़ गया तेरा है, इसका मतलब नाड़ी साथ में दबी हुई है, आओ चलो चलो, नाड़ी दबी हुई है। हाँ जी, क्या आराम पड़ा है आपको? मेरे से जी बैठा भी गया नहीं, तो इतनी देर बैठा नहीं, इतनी देर कभी बैठी नहीं थी और बैठा भी गया है, ठीक है ना, यहाँ आ जाना, इसकी जगह आ जाए, बैठा भी गया, अब आप बैठ भी पाए, चलिए आइए। आपको क्या आराम पड़ा है बता जी, इतनी देर तक बैठी नहीं पाती थी, तालियां बजा दो, बजाते रहो, आओ जी, हाँ भाई, सर बता दी, अब है ठीक है, आराम है, आइए। हाँ जी, आराम हुआ कमर में, गर्दन में, पेट में, सब तालियां बजाओ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बताओ, अरे निकलने दो ना इनको, निकालते भी साथ साथ, दूसरा दिन आराम नहीं है ना, जैसे अब जितने दर्द लेके बैठे थे क्या उतने ही दर्द है या कम हुए हैं? हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, तो आराम ही तो पड़ गया, इस टाइम दर्द नहीं है ना आपको, और पहले जब बैठे थे तब दर्द था ना, पूछा था, चलिए तो पूछ क्या रहा था, दिमाग में आता कि नहीं आता है? कहाँ से आई है तू? नेपाल से? और चलिए, मैंने कहा डॉक्टर साहब से तेरी आँख मिलती जुलती है। हाँ जी, अभी की बताओ मुझे, अभी दर्द है, आराम है, ठीक है, चलिए तालियां बजा दीजिए इनके लिए, चलिए जोर से, शनिदेव महाराज की बोलो, सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। कहाँ दर्द है बहना? अब नहीं है, पूरा शनिदेव चला गया। हाँ जी बताइए, 40% है, 60% का हो गया, तालियां बजा दो 60 के लिए। हाँ जी आओ, कहाँ है दर्द? आइए त्यागी जी, आइए बताइए कहाँ क्या दर्द है? हल्का हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए। हाँ जी, सर में हल्का हो गया, बस बहुत अच्छे, इसका मतलब दोस्त से रोग था आपको और उसको ठीक कराइए, दोस्त को आपके रोग ठीक हो जाएंगे। अभी कहाँ है? बस वो भी थोड़ा थोड़ा, बाकी सारा गया, एक का गया, अब वो थोड़ा थोड़ा कान में देखो है क्या, नहीं है। अब कल डॉक्टर साहब ने कहा, क्या कहते हैं उस आदमी ने ये कहा जो जल देने वाला बाबा है, कि देखो इनके सबके दर्द ठीक हो गए, ठीक है, तो उन्होंने सबने मना कर दिया, हमारे दर्द ठीक नहीं हुए, तो ठीक नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन बाबा मान नहीं रहा था जल छिड़कने वाला, बोला नहीं ये सारे ठीक हो गए, बाहर से लोगों को बुलाओ। अरे भाई ऐसा नहीं है, जो मरीज है अगर उसको आराम पड़ेगा तो वो बताएगा, बकायदा मैं ठीक हो गया, नहीं ऐसे ही है ना बहन जी, है, और साथ के साथ भी कोई ठीक होता है तो भी उसको पता चल जाता है, अभी यहाँ दर्द था भी गायब हो गया। 4 महीने से मैं दवा ले रही हूँ। आपको पता है मनु भैया कोई झूठा दवा नहीं पेश करते, लेकिन आपको ये पता है ना मनु भैया झूठ नहीं बोलते अपने काम में, सही है ना बिल्कुल, और तभी आप आए हो इतनी बार, वरना आते नहीं है ना। 4 महीने से मेरे कान में अब कहाँ है परेशानी, और बाकी सारी का चलिए, तो है तो दोष से समझ में तो आ गया, दवाई खाने की तो जरूरत नहीं है, ये बात तो आ गई ना दिन में, चलिए हल्का हो गया, दर्द गायब हो गया, क्या नहीं है आपको बताया क्या था डॉक्टर ने? और 3-4 बार दवाई दी और तेरे को आराम नहीं पड़ा, लेकिन आज आराम पड़ गया यज्ञ करने से, चलिए खुश रहिए, तालियां बजा दो। हाँ जी ठीक हो गया भाई, बात करें जोर से, बोलिए शनिदेव महाराज की, चाय पी रहे हाथ में, कफ है, कम हो गया ना दर्द, कम हो गया भाई सर का। हाँ जी हाँ बेटा, आधे हिस्से में दर्द था वो कम हो गया, 90% कम हो गया, 60 तो हुआ, खुश रहो। हाँ जी और बोलो, हाँ हाँ सिर में था ठीक हो गया, तालियां बजा दो, चलो जोर से। ये बताइए अभी सर के दर्द में आराम पड़ा आपको? बिल्कुल महाराज की, एक महीने से बुखार के साथ साथ ये दर्द बन रहा था, तो डॉक्टर ने ठीक नहीं दिया, बुखार तो खत्म हो रहा, बुखार खत्म होने के बाद भी ये सर का दर्द ठीक नहीं हुआ, नेगेटिविटी से था ना इसका मतलब, इसका मतलब आपको शारीरिक रोग में भी नेगेटिविटी का रोग साथ हो सकता है, इसलिए कैंसर के पेशेंट में जो बहुत ज्यादा दर्द होते हैं वे जाते नहीं, और जब कोई बताता है मेरे यहाँ उसके दर्द ठीक हो गए, तब डॉक्टर उसको मानता नहीं, वो ये सोचता है कैंसर ठीक करने की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो अपने आप बेअकल हो गया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई सारी गायब हो गई,
ये सोच ही नहीं पा रहा है कि भाई वो ये कह रहा है कैंसर के तरह ठीक हो गए। कैंसर ठीक नहीं हुआ, क्या ठीक हो गया? अब बुखार ठीक हो गया, तरह तरह ठीक नहीं हुए, जबकि दर्द की टेबलेट बुखार में साथ देता है डॉक्टर। फिर डाइक्लोफेनिक होती है कि नहीं होती है, आप बताइए ना, आप तो डॉक्टर ही हैं। बिल्कुल, दवाई दवाई खाते खाते साइड इफेक्ट और हो जाएंगे। चलो डॉक्टर ही कह रहे हैं दवाई खाते खाते साइड इफेक्ट बहुत हो जाएगी, खत्म हो गया घुटनों का दर्द। तालियां बजा दो, डॉक्टर साहब ही नहीं कह दिया, डॉक्टर साहब को इस बात पे चाय पिलाई जाए। जी 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 हाँ जी, बोलिए शनिदेव महाराज की। नेपाल में लोग यहाँ की तरह चाय पीते हैं बार बार की नहीं पीते? बार बार पीते हैं गुरु, बार बार पीते हैं। कुछ कम हुआ है तेरा? हल्का है क्या? तालियां बजा दो। चलो वो भी खत्म हो गया। हाँ अब तो नहीं हो रही ना? अभी नहीं हो रही। एक बार जोर से तालियां बजा दो। नेपाल से एक डॉक्टर साहब आए और उन्होंने यहाँ आके सबके बीच में यज्ञ किया और हमारे यहाँ भक्तों को लाभ दिया जिनका उनसे कोई संबंध नहीं था, और उनमें बहुत सारे पहली बार वाले थे और बहुत सारे कई बार वाले थे। सब लोगों को दर्द में आपने देखा लाभ हुआ, ठीक है, केवल एक माता को छोड़ के। वो क्यों? क्योंकि उनको कमर का नाड़ी दर्द था, वो नाड़ी उनकी दबी हुई थी, इसलिए उनको बैठने से वो दर्द बढ़ गया। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि शारीरिक रोग शारीरिक है। क्या है? शारीरिक रोग शारीरिक है, वो ही ठीक कर दे डॉक्टर, प्रेत आदि के तो तब करेंगे ठीक, वो तो ठीक होते नहीं है। प्रेत आदि को की बात और कर रहे हैं, प्रेतों से भी जितने रोग होते हैं डॉक्टर उनकी सबकी बाहों में लिए हुए हैं, सबको बाहों में भरे हुए हैं, और एक आदमी ठीक नहीं होता इसलिए। लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए चिंतित नहीं है, मनु भैया चिंतित हैं, क्योंकि उनको पता है ये माताएं बहनें हैं जो सर घुमाती फिर रही है। डॉक्टर तो मजे ले रहा है और कह क्या रहा है पता है? मुट्ठी भर लोग आते हैं डॉक्टर के पास, अरबों रुपया जमा होता है डॉक्टर के पास पूरी जिंदगी में, क्या होता है? अरबों रुपया जमा होता है, ठीक है। और डॉक्टर ये कहता है, किसी का सिर हिलता है और उसको ऐसी बातें हो जाती है तो ये कहता है ये ढोंग है, ढकोसला है, पाखंड है। हम उनका कैसे विश्वास कर लें जो हमारी तनिक सी बाधा नहीं समझता, जो हमारे ऐसे कष्ट को नहीं समझता। वो हमारा लगे, और जो समझेगा वो हमारा लगे देवता, और जो ना समझे वो चूते खाएगा हमारे से और मुंह की खा के जाएगा इस दुनिया में, ठीक है। और एक दिन उसके बच्चों के प्रेत लिपटेंगे और उनको मनु भैया छुड़ाएंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव, अब हमने सिद्ध कर दिया शारीरिक दर्द अलग होते हैं और प्रेतादिक दर्द अलग होते हैं। ये पहले ही कैसे सिद्ध हो गया जब वो माता उठी और उसे कमर से उठा नहीं जा रहा था और उसका चेहरा तुमने देख लिया था। इसलिए समझ लो दुनिया वालों, मनु भैया ने कभी असत्य नहीं बोला, अपने काम में कभी असत्य नहीं बोलेंगे, और लोग दुखी है इस बात से, ठीक है। तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई धरी जाएगी एक दिन, तुम पढ़ने की कोशिश करोगे पढ़ नहीं पाओगे, दिमाग भारी हो जाएगा और तुम्हें आंसू गिरने लग जाएंगे, सर भारी हो जाएगा, सर में चक्कर हो जाएगा, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में बिल्कुल भी, कंधे भारी रहेंगे, जलन होगी शरीर में, जगह जगह दर्द होंगे। अपने बच्चों को बचा लो लोगों, ये प्रेतादिक समस्याएं बढ़ गई हैं, पितरादिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इनसे बहुत सारे रोग होते हैं और बहुत सारे रोगों में ये रोग को बढ़ावा दे देते हैं। तब डॉक्टरों की कड़वी कड़वी दवाई, क्योंकि कड़वी खुराक है इसकी, सबको खा जाते हैं खुद ही, इसलिए आराम ही नहीं पड़ता लोगों को। जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।